हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे पिछले बहुत सारे व्लॉग्स आपने देखे होंगे जिसमें मैंने मार्गला हिल्स पे लैपर्ड का जिक्र किया था। एंड यू कांट बिलीव, आज 4:00 तकरीबन 47-48 मिनट पर मैंने खुद लैपर्ड को देखा। और हुआ ये कि आई वॉज वॉकिंग अलोन। जब ट्रेल 5 पर आप 1.5, 1.6 कवर करते हैं तो एक साइड पे स्ट्रीम आती है। उस स्ट्रीम के साइड पे मैं खड़ी हुई वेट कर रही थी। सडनली आई मुझे कुछ आवाज़ें आना शुरू हुई और मुझे ऐसे लगा बंदर लड़ रहे हैं आपस में। फिर मैंने उन आवाज़ों पे गौर किया तो मुझे ऐसे लगा कि वो बंदर नहीं है, बट इनफैक्ट वो किसी और चीज़ की आवाज़ है। तो मेरा डाउट हुआ कि ये यकीनन एक लैपर्ड है। और मैं अभी कुछ सेकंड के लिए खड़ी हुई थी कि मैंने वाकई देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक लैपर्ड आ रहा था। एंड आई वाज नॉट ओनली द वन, क्योंकि अब मुझे इस बात की तस्दीक भी करानी है कि सिर्फ मैं नहीं थी जिसने उस लैपर्ड को देखा है, क्योंकि मैं उस वक्त जिस वक्त मुझे लैपर्ड नज़र आया मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी। लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी तो आई प्रेफर्ड कि मैं उस जगह से निकल जाऊँ रादर के वो मुझ पर अटैक कर दे। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, नाम मैंने उनसे नहीं पूछा अभी तक, लेकिन क्योंकि जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो तकरीबन कुछ 4, 3.5, 4 मिनट के बाद सर का वहाँ से गुजरना हुआ। सर अपना नाम बताइए। वाले मेरा नाम मुर्चा है और जस्ट मैंने देखा कि कोई चीज नीचे आ रही है, मैं समझा बच्चे लकड़ियाँ तोड़े, लेकिन क्योंकि मैडम ने बताया कि वो लैपर्ड था तो मैंने तो आज अपनी आंखों से लैपर्ड देखा है। तो इस्लामाबाद के शहरियों, आई मस्ट से कि प्लीज अगर आप भी ट्रेल पे आते हैं, आते जाते रहते हैं मेरी तरह, पर्टिकुलरली अकेले आ जाते हैं, तो आपसे मैं कहूंगी कि प्लीज कोशिश कीजिए कि जब कभी भी आप ट्रेल पर आए तो आपके साथ कोई ना कोई हो। एंड सेकंड, अगर आपको भी मेरी तरह लैपर्ड नजर आता है तो आई विल प्रेफर कि उसकी तस्वीर बनाने की बजाय, उसको कैप्चर करने के बजाय, उसको वीडियो बनाने के बजाय आप खामोशी से वहां से चले जाएं, ताकि लैपर्ड को ये मौका ना मिले कि वो आपके ऊपर अटैक कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हाइकर से आई मस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा आप लोग भी, पर्टिकुलरली जब आप हाइकिंग कर रहे हो।